हाय सब किंचन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज लेके आ गई हूँ अनदर अमेजोन साड़ी हॉल। जी हाँ, इसका पहला अमेजोन का साड़ी हॉल मैंने शेयर किया था जिसपे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था, तो इसीलिए मैं लेके आई उसी टाइप की मैं दूसरी साड़ीज लेके आई हूँ। सारी की सारी जो है वो डिज़ाइनर पार्टी वेयर साड़ीज़ हैं। सारों की जो बाइंग लिंक है नीचे आपको माई हॉल स्टोर करके लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करोगे सारा कलेक्शन ओपन हो जाएगा। जो भी साड़ी लेनी है वो फोटो पे क्लिक करना है, फोटो के थ्रू आप अमेजोन पे पहुंच के यही वाली साड़ीज़ बाय कर सकोगे। बाय द वे ये जो सारी साड़ीज़ है ना, उसका कंपैरिजन वीडियो भी आने वाला है लाइक अमेजोन वर्सेस मीशो, क्योंकि अमेजोन पे जो साड़ी 3000 की मिल रही है, 2500 की मिल रही है, वही साड़ी मीशो पे आपको 1000 में मिल रही है। तो लाइक कि 1000 से 1500 रुपये का डिफरेंस है, तो वो भी वीडियो आएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है अमेजोन वर्सेस मीशो, नहीं देखा तो उसके लिंक यही वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में इनमें से कोई भी साड़ी आप फ्री में जीत सकते हो। स्क्रीन पे मेरा इंस्टा पेज, मेरी इंस्टा आईडी आपको शो हो रही होगी, मेरी इंस्टा की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे फॉलो करना है। आपके कोई भी 5 फ्रेंड को बोलना है कि वो भी फॉलो करें। रेगुलर बेसिस पर मैं जब भी पोस्ट डालती हूँ, वीडियोस, रील्स, कुछ भी डालती हूँ ना, तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना है, इतना ही सिंपल है। तो चलो आज हमारा साड़ी हॉल जो है, आज का साड़ी हॉल है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, और कंपैरिजन वीडियो डेफिनेटली देखना ताकि आपको समझ में आए, वो भी आने वाला है थोड़े ही दिन में आ जाएगा। बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये ब्लैक साड़ी से, जो बहुत ही ब्यूटीफुल पिक में लग रही थी, रियल में भी बहुत ब्यूटीफुल आई है। एक्चुअली में यही साड़ी मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, वहाँ पे मीशो पे प्राइस 700 समथिंग की थी और अपने आप ऑर्डर कैंसिल हो गया, और यही साड़ी मैंने अमेजोन से 2500 या 3000 समथिंग की थी, तो वो अमेज़ॉन पे भी देखी थी, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की है, इसको हम खोल के देखेंगे पूरी ओपन करके। कंपैरिजन वीडियो बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत सारे मेरे जैसे लोग हो गए जिनको समझ में आएगा कि कहाँ से लेना चाहिए, और बहुत सारे आपके पैसे भी बच जाएंगे, और ये सारी साड़ीज़ भी आप फ्री में गिव अवे में जीत सकते हो। तो पल्लू से स्टार्ट करते, आई थिंक इसमें कलर्स ऑप्शन हो गए तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है तब तक नहीं थे। तो ये ब्लैक कलर की है, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो थ्रेड वर्क आता है वो किया गया है गोल्डन एंड रेड कलर का। ये पल्लू है उसका, बीच में भी यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा फ्लावर्स वाला वर्क आपको मिल जाता है, बहुत ब्यूटीफुल है, जिसको आप वेडिंग्स में, फेस्टिवल में आराम से पहन सकते हो, वो टाइप की साड़ीज़ है ये देखिए। तो ये इसका पल्लू है, इवन आप इसको सर पे लोगे ना तो भी अच्छा लगेगा, बॉर्डर आएगी। इसका कपड़ा जो है वो साटिन का शाइन करने वाला आता है, सॉफ्ट वाला वो कपड़ा है। इस तरह से आप देखिए, पीक में था ना वैसा ही रियल में आया है। क्वालिटी वर्क वगैरह इसके देखते तो बहुत ब्यूटीफुल है। और बाय द वे ये साड़ी मैंने पहनी, उसका वीडियो आ गया होगा तो लिंक दे दूंगी, अदरवाइज थोड़े दिन में आ जाएगा था। सो स्टे कनेक्टेड। मुझे पता है कि बहुत सारे बोलेंगे कि इसके लिंक दीजिए कि या इसके कोड वगैरह जो भी है दीजिए, तो ये कुछ इस तरह की साड़ी है। ऑल ओवर साड़ी में आपको बीच में है ना इस तरह के वर्क भी मिलता है, ये जो किया गया ना वर्क जो है वो बहुत क्लासी है, बहुत ही अच्छा। जो पाइपिंग वर्क एंड थ्रेड वर्क आता है वो किया गया है, नॉर्मल वाला जो वर्क आता है वो नहीं है। प्लस ऑल ओवर साड़ी में भी आपको वर्क मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ सिर्फ आपको बॉर्डर ही मिल रही है, वर्क भी मिल रहा है। नीचे प्लेट्स वगैरह में कुछ इस तरह का आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टी वेयर साड़ीज़ लगेगी। जब आप इसको पहनोगे तो इवनिंग में भी आप पहन सकते हो, हर फंक्शन में अच्छी लगेगी। और इसके साथ जो ब्लाउज़ पीस आपको रिसीव होता है वो कुछ इस तरह से ब्रॉकेट का रिसीव होता है, जैसे पीक में था ना वैसे ही रियल में आता है। रेड कलर का ब्रॉकेट का रेड एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन वाला आपको इस तरह से रिसीव होता है पूरा का पूरा ब्लाउज़ पीस जो है। साथ ही में आपको ऐसी बॉर्डर्स भी मिल जाती है इसमें ब्लाउज़ पीस में, ये जो आप देख रहे हो ना वो वाली आप स्लीव्स वगैरह में लगवा सकते हो। ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है, आई नो कि थोड़ी सी कॉस्टली है बट वर्थ इट है, डेफिनेटली आप जा सकते हो, इसकी क्वालिटी अमेजिंग है। उसके बाद मैंने सेकेंड जो ली है वो कुछ इस तरह की है, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, ऑर्गेन्जा टाइप की है, लेकिन इसका फैब्रिक सॉफ्ट वाला है, खोल के देखेंगे तभी पता चलेगा। मिरर वर्क सब कुछ इसमें किया गया है। वाह, इसका ब्लाउज पीस अब देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मिरर वर्क वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी साड़ी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पीक में बहुत अच्छी लग रही थी। इसके पहले मैंने आई थिंक मंगवाई थी अमेजोन से, लेकिन नहीं मिली थी, ऐसा कुछ था, ऑर्डर कैंसिल अपने आप हो गया था या रॉन्ग प्रोडक्ट आई थी, ऐसा कुछ था। तो इसके पल्लू से स्टार्ट करेंगे। पल्लू में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिरर वर्क मिल जाता है, मिरर जो लगाए गए हैं वो मतलब कि चिपकाए गए हैं और ओरिजिनल मिरर्स है ये वाले जो है, वो सारे के सारे लुक इसका बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। कैमरे में पता नहीं है लेकिन रियल में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सीक्वेंस वर्क है, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क किया गया है, इस तरह की बॉर्डर आ जाएगी चारों तरफ साड़ी में, और बीच में आप देखोगे ना तो इस तरह का आपको ऑर्गेन्जा कम इसका फैब्रिक कौन सा है मुझे पता नहीं, लेकिन शाइन कर रहा है, सॉफ्ट वाला है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है।
लाइट पीच कलर का है। अगर आप इस टाइप के कलर्स पहनते हो, गर्ली टाइप कलर है, बीच में आपको फ्लावर्स वगैरह मिल जाते हैं, भी फ्लावर्स का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। इसमें भी बॉर्डर है तो आप सर पे पल्लू वगैरह लोगे तो अच्छा लगेगा। तो चारों तरफ आपको बॉर्डर मिलती है और बीच में से जो साड़ी है पूरी की पूरी फ्लावर प्रिंट वाली जो है वो आपको रिसीव होती है। ये कुछ इस तरह से है पूरी की पूरी साड़ी जो है। इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है। डस्की स्किन है तो भी अच्छा लगेगा, फेयर या फेयर टू मीडियम स्किन है तो भी ये वाली साड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, बिग थम्स अप है इसके लिए। बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। इसके साथ जो ब्लाउज़ आया है वो बहुत ही लाइक इतना ब्यूटीफुल है, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि पीक में था वैसा ही आया और उसका पीक दिखा था उसमें मुझे उसका ब्लाउज़ सबसे ज़्यादा पसंद आया था। ये देखिए इसका फैब्रिक जो है वो भागलपुरी सिल्क वाला है, लाइट पीच कलर, पिंक कलर बोल सकते हैं। ये फ्रंट का जो है पूरा हैवी हो जाएगा, मिरर वर्क किया गया है। क्लोजअप लुक दिखा दूँ ब्लाउज़ का ताकि आपको समझ में आए कि कैसा वर्क रिसीव होगा। अगर आप ऑर्डर करते हो तो मस्ट हैव साड़ी है, डेफिनेटली जा सकते हो। ये दोनों साइड की स्लीव में लगाने के लिए जो है वो इस तरह की बॉर्डर्स दी गई है ब्लाउज़ में, तो स्लीव में इस तरह का आ जाएगा और आपका फ्रंट जो है वो हैवी हो जाएगा। बैक साइड के लिए आपको प्लेन सेम वही कलर का भागलपुरी सिल्क का कपड़ा दिया गया है जिसको आप अपने बैक साइड में लगवा सकते हो कुछ इस तरह से। तो बहुत अच्छी है, बिग थम्स अप है, डेफिनेटली ले सकते हो। उसके बाद की जो साड़ी है वो कुछ इस तरह की है, रेड कलर की। इसका भी इसमें भी आई थिंक कलर्स ऑप्शन थे, मुझे याद है तब तक, तो आप चेक कर सकते हो। ये हम खोल के देखते हैं, पूरी बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए ऑर्गेन्जा साड़ी है, अभी ऑर्गेन्जा साड़ी इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है तो आप जा सकते हो ऑर्गेन्जा साड़ीज़ के साथ। इसकी क्वालिटी कैसी है वो हम देख लेते हैं। ब्राइट रेड कलर है, इसके पल्लू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो कट बॉर्डर्स वगैरह मिल जाती है, एम्ब्रॉयडरी की गई है ब्लू कलर, पिंक कलर, गोल्डन कलर की, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये वाली भी इसका पल्लू इस तरह से आएगा पूरा का पूरा। बीच में आप देखोगे तो बीच में भी आपको इस तरह की एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स वाली वगैरह मिल जाती है। ऑर्गेन्जा वाला सॉफ्ट वाला लाइट वेट फैब्रिक है, पहनने के बाद आपको बिल्कुल भी हैवी हैवी फील नहीं होगा। ये देखिए बीच में भी आपको मिल रहा है, तो ये साड़ी जो ऑल ओवर है ना इसमें आपको वर्क दिख जाएगा, कहीं से भी आपको प्लेन वगैरह नहीं लगेगी। नीचे प्लेट्स वगैरह में भी सेम आपको वैसा ही वर्क होगा रिसीव होता है, जैसा कट वाला एम्ब्रॉयडरी वाला जो वर्क है वो कुछ इस तरह से। तो ऑल ओवर साड़ी जो है वो अच्छी है। ब्लाउज़ पीस की बात करते तो जैसे पिक में था वैसा भी, वैसा इसमें भी सेम ब्लाउज़ पीस आपको रिसीव होता है, जिसमें आई थिंक इसमें स्लीवलेस ब्लाउज लगाया गया था पिक में, ऐसा कुछ अभी मुझे याद नहीं है। तो ये जो है भागलपुरी सिल्क, इसका फैब्रिक है ब्राइट रेड कलर का है, जिसमें आपको ये जो है ना ब्लाउज़ में आपको फ्रंट में आ जाएगा, तो आपका फ्रंट पूरा जो है वो हैवी हो जाएगा इस तरह से। तो ये एक कपड़ा मिलता है और एक दूसरा जो है वो प्लेन मिलता है जिसका आप बैक साइड वगैरह बनवा सकते हो। तो ये वाली भी अच्छी है, बिग थम्स अप, डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। इसके बाद मैंने ली है एक बांधनी, ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में थी, मुझे याद है तब तक ये 600 समथिंग की रेंज की थी और सुपर डुपर अफोर्डेबल है। और इस टाइप की मैंने एक और बांधनी का बहुत पहले किया था, वो भी अमेज़ॉन की थी, तो उसकी ढेर सारी कमेंट्स आई थी और बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि और दूसरी मुझे मिली है इस टाइप के कलर कॉम्बिनेशन में तो शेयर करना चाहिए। तो ये भी हम ओपन करके देखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग को कि कमेंट्स होती होती कि आप बांधनी शेयर कीजिए, बांधनी के जो साड़ी से होती है वो उसका वीडियो लाइए। तो ये देखिए इसमें आप देखोगे तो पल्लू में यहाँ पे आपको इस तरह की बॉर्डर्स मिल जाती है ब्लू कलर की और एक ऐसी ग्रीन वाली बॉर्डर्स आपको मिल जाती है। बीच में आप इसका फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट वाला शाइन करने वाला सॉफ्ट वाला फैब्रिक है और सेडेड साड़ी है पूरी की पूरी। आपको यहाँ पे पैरेट ग्रीन मिल जाता है, धैन डार्क ग्रीन है और उसके बाद ब्लू मिलता है, तो पूरी जो है वो सेडेड ग्रीन से लेके ब्लू तक के कलर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छी है, ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है, डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। क्वालिटी वगैरह देखते हैं और 600 में सुपर डुपर अफोर्डेबल है तो आप ले सकते हो। ये देखिए ब्लाउज़ पीस की हम इसमें बात करते हैं तो इसमें आपको ब्लू कलर का ब्लाउज़ पीस रिसीव होता है, भागलपुरी सिल्क इसका फैब्रिक रहेगा और ये जो है वो पूरा का पूरा प्लेन मिलेगा ब्लाउज़ पीस जो है। ये देखिए और ये बॉर्डर मिल जाएगी जिसको आप स्लीव वगैरह में डलवा सकते हो। वैसे भी साड़ी जो पूरी है प्रिंटेड है, बांधनी प्रिंट है, तो ऑब्वियसली ब्लाउज़ प्लेन ही रखना चाहिए तो ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए भी बिग थम्स अप डेफिनेटली आप जा सकते हो। उसके बाद ली है मैंने कुछ इस तरह की, इसमें 4 to 5 कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं लेकिन येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन जो था वो सबसे अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो वाला कलर जो है वो ऑर्डर किया था। और ये कुछ इस तरह की है, गोटापत्ती बांधनी वाली साड़ी है और ऑर्गेन्जा इसका भी फैब्रिक ऑर्गेन्जा है, तो इसे भी हम खोल के देख लेते हैं। इसके भी हम पल्लू से स्टार्ट करते हैं
तो आपको जो है यहाँ पे बानी की बॉर्डर मिल जाती है पल्लू में, देन नीचे आप देखोगे तो आपको गोटापत्ती वाली बॉर्डर्स मिल जाती है तीनों तरफ। साइड में आप देखोगे पल्लू में तो कुछ इस तरह के आपको जो है ना वो लटकन्स वगैरह मिल जाते हैं। इसको आप बंगाली प्लस गुजराती स्टाइल में भी पहनोगे ना तो अच्छा लुक आएगा। बीच में से ये जो है वो ऑर्गेन्जा शाइन करने वाला जो फैब्रिक आता है ना वो है, और प्लेन है। तीनों तरफ आपको जो है वो ऐसी बांधनी की गोटापत्ती की बॉर्डर मिलती है, अदरवाइज साड़ी बीच में जो है वो प्लेन है। कहीं पे आपको कुछ भी लाइक एम्ब्रॉयडरी या वर्क या पेचिस लगाए गए नहीं मिलते। ये देखिए नीचे की तरफ एक भी कुछ इस तरह का आएगा, तो ऑल ओवर साड़ी कुछ इस तरह की है। ब्लाउज पीस की बात करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लाउज पीस आपको इसमें मिलता है। तो इसमें आप देखोगे तो इसका जो कपड़ा है ना वो सिल्क टाइप का ही है, भागलपुरी सिल्क टाइप का। नेक में यहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुल सा गोटापत्ती वाला वर्क मिल जाता है, और दोनों साइड स्लीव में भी आपको ये एक साइड के स्लीव है और ये दूसरी साइड के स्लीव के लिए आपको इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्क मिल जाता है। ब्लाउज़ के लिए ये एक पीस है और ये दूसरा कपड़ा है जो बैक में आएगा, तो दो मिलते हैं, ऐसा नहीं कि ना छोटा मिल रहा है। ब्लाउज पीस का बहुत अच्छा है, जैसे पीक में है ना वैसा ही रिसीव हुआ है, और ये साड़ी भी अच्छी है तो इसके साथ भी आप जा सकते हो अगर आपको लेना। यहाँ पे मैं देखना भूल गई, यहाँ पे आपको ऐसे सीक्वेंस वर्क भी मिल जाता है, यहाँ पे तो मिल ही रहा है। स्लीव पूरी हैवी हो जाएगी इस तरह से, ये देखिए ये एक साइड की स्लीव है, तो अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ऑर्गेन्जा पसंद है तो। इसमें कलर ऑप्शन है आई थिंक ग्रे प्लस रेड है, और भी कलर्स है लेकिन मुझे ग्रे रेड याद है और येलो रेड याद है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद की साड़ी है वो कुछ इस तरह की है, लाइट ब्लू लाइट ग्रे कलर की है। एक्चुअली में ये जो है मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुई है, मैंने जो ऑर्डर की थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, इसके पहले भी रॉन्ग प्रोडक्ट ऑर्डर हुई थी रिसीव हुई थी, इस बार भी यही हुआ है। मैं फ़ोटो लगा दूंगी यहाँ पे तो आप देख सकते हो, यहाँ कहाँ पे भी मतलब स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, मैंने वो साड़ी ऑर्डर की थी और उसकी जगह पे मुझे ये वाली रिसीव हुई है। तो इसका लिंक मिलना मुश्किल है क्योंकि मुझे पता नहीं है इसका लिंक, फिर भी इसका मैं बता देती हूँ आपको रिव्यू करके। ये भी अच्छी है लेकिन मुझे वो चाहिए थी, बेज एंड रेड कलर की अमेजिंग साड़ी थी, फिर से ऑर्डर करूँगी अगर मिलती है तो, अच्छी बात है, थर्ड टाइम ऑर्डर एक्चुअली मैं करूँगी। इसके पल्लू से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसी कट बॉर्डर्स मिल जाती है, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वगैरह की गई है। इसका फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट का है, नीचे भी आपको ऐसी कट बॉर्डर्स वगैरह पल्लू में मिल जाती है, और एक सेकेंड ये पल्लू है या फिर लाइक कि एक ही साइड बॉर्डर क्यों मिल रही है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। एक ही साइड बॉर्डर पल्लू में आपको मिल रही है साड़ी में, मतलब कि यहाँ पे नीचे मिल रही है और यहाँ पे आएगी आई थिंक शोल्डर पे, एक साइड पे बॉर्डर नहीं मिल रही है। बीच में आप देखोगे ना तो आपको स्टोन वर्क मिल जाता है, बीड्स वर्क मिल जाता है इस तरह से साड़ी में, ये देखिए। और उसके बाद जो है ना साड़ी में लाइक कि आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है नीचे, प्लेट्स वगैरह जो स्टार्ट होती है ना पल्लू ख़त्म होता है उसके बाद, फिर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है इसका जो, देखिए आप इसमें आपको जो है वो पिंक एंड लाइट ब्लू कलर की वगैरह की आपको एम्ब्रॉयडरी नीचे मिल जाती है प्लेट्स वगैरह में, इस तरह की साड़ी है। ऑल ओवर साड़ी में आपको वर्क तो मिल ही रहा है, अच्छा है, लेकिन एक साइड बॉर्डर ऊपर की तरफ नहीं मिल रही। इसके ब्लाउज पीस की बात हम करते हैं, ब्लाउज पीस भी हैवी है एक्चुअली में, ये देखिए इसमें ब्लाउज पीस का फैब्रिक जो है ना वो भी जॉर्जेट का है। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको इस तरह का वर्क मिल जाता है, सेम जो पल्लू में सॉरी प्लेट्स में नीचे मिल रहा था ना वही वाला वर्क आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। एम्ब्रॉयडरी की गई है लाइट कलर्स की, लाइट ब्लू एंड लाइट पिंक कलर की। तो ये एक ब्लाउज पीस का कपड़ा है, तो मतलब कि आपका जो फ्रंट है वो इस तरह का हैवी होगा और बैक साइड जो होगा वो इस तरह का प्लेन आएगा, उसके लिए कपड़ा दिया गया है और जॉर्जेट का कपड़ा है ब्लाउज पीस का जो है वो। इसके अंदर आपको लाइनिंग चाहिए, आपको लाइनिंग लेनी होगी, अच्छी है ये वाली साड़ी भी, लेकिन मुझे वो चाहिए थी, एक बार मुझे देखनी थी क्योंकि उसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया था, बट ठीक है। तो गाइस टोटल मैंने 6 साड़ीज़ आपको दिखाई, इनमें से कौन सी वाली साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो भी बताइएगा। बैक टू बैक बहुत सारे साड़ीज़ वीडियोज़ आने वाले हैं, अमेज़ॉन के मीशो के कंपेरिजन वीडियोज़ आएंगे जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो ऐसे वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि एवरी इवनिंग में या हर 2-3 दिन में एक बार मेरा वीडियो शाम को 4 बजे आपको मिल जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलती तो मेरा वीडियो शाम को 4 बजे आता है, तो आप मेरी चैनल को चेकआउट कर सकते हो। आज के वीडियो में यही था, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।